भीषण गर्मी के बीच आग के गोले की तरह धधक रहे शेखावटी के चूरू और सीकर रोजाना नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जी हां, नौतपा के आखिरी दिन भी दुनिया के सबसे गर्म शहरों में चूरू का नाम शामिल रहा और इसी के चलते आमजन के साथ जानवर भी भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान में भीषण गर्मी और पूरे उत्तरी भारत में गर्म हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं राजस्थान में मौसम के हालात और भी ज्यादा खराब होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता रहे हैं, गर्मी ने सभी रिकॉर्ड राजस्थान में तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है, इंसान तो क्या जानवर भी इस गर्मी की मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं और सूरज लगातार अपना प्रकोप बरसा रहा है। चूरू का हाल सबसे बेहाल यहां पर होता नजर आ रहा है। आग के गोले की तरह पूरा प्रदेश धधक रहा है, सूरज का प्रकोप हर किसी को झेलना पड़ रहा है, इंसान हो या फिर जानवर हो, कोई भी इस मार से नहीं बचा है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, सभी धूप में बाहर निकला नहीं जाता, इतनी तेज गर्मी हो रही है। बूढ़े बुजुर्ग भी परेशान हैं, पक्षी भी परेशान हो रहे हैं, इसलिए हमने पानी की व्यवस्था की है और हम चाहते हैं कि हमारी ओर से जो भी हेल्प हो गर्मियों के अंदर हम कर सकते। फतेहपुर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं लेकिन पूरे तरह से ढक के निकल रहे हैं और सड़क है वो एकदम गर्म हो रही है जिससे लोगों का बाहर निकलने से। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता राकेश गुर्जर फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी राकेश, ये बताएं कि गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है, कैसी कैसी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, बताएं। देखिए लवीना, बता दें हमको शेखावटी के फतेहपुर की अगर बात कर ले, कैसे बात चूरू की कर ले, तो यहाँ पर लगातार जो गर्मी का सिस्टम है वो जारी है। पारी की अगर बात करें तो 50 डिग्री यहाँ का जो अधिकतम तापमान है पहुंच गया दिन तो दिन, और रात में भी जो पारा है 27 डिग्री को पार कर चुका है। तो लोगों को बाहर 10 बजे की अगर बात कर ले तो 10 बजे बाद में ही लोगों को बाहर जाने से दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो लोग निकल भी रहे हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से ढंक के निकल रहे हैं और जरूरी काम से निकल रहे हैं बाहर, और सबके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा है, उसकी गर्मी। इस बार की जो गर्मी है ये लोगों की बड़ी दिक्कतों का सामना लेकर आई है। अगर खास करके हम आपको बता दें कि सड़कों पर जो है, जो हाईवे नेशनल हाईवे पर है उनपे जो कोलतार लगा है वो भी पूरी तरीके से गल चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार हर वर्ग के लोगों को यहाँ पर परेशानी, चाहे बात जानवरों की कर ले तो उनको भी इस कड़ी लू से जो परेशानी हो रही है, गायों की अगर बात कर ले तो वो भी इस कड़ी धूप में यहाँ पर परेशानी, इस जो भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं नौतप्पा भी खत्म हो गया है लेकिन बावजूद भी जो गर्मी खत्म होने का जो नाम है वो नहीं ले रही है। जी 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 राकेश, ये बताएं कि प्रशासन की तरफ से क्या कोई इंतजाम देखे जा रहे हैं इस आग को, इस जो गर्मी पड़ रही है उसको काबू करने के? देखिए, अगर प्रशासन की अगर बात कर लें तो कुछ ही, जैसे बात चूरू और फतेहपुर और रामगढ़ और सीकर के कुछ जो इलाके हैं उनमें प्रशासन की ओर से जो छिड़काव है अग्निशामक यंत्र उनके द्वारा कराया गया है। हालांकि वैसे अगर कोई बाजारों में दोपहर होते हैं तो, क्योंकि दोपहर 2 बजे बाद में जो लोगों का निकलना है वो दूभर हो जाता है इस कड़ी धूप में, जिसे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का ऐसा लगता है कि मानो कर्फ्यू सा ही लग गया हो। इस गर्मी के चलते जो नगर पालिका प्रशासन है या नगर परिषद प्रशासन है वो इन इलाकों में पानी का छिड़काव यहाँ पर कर रहा है। इसके साथ ही अगर बात कर ले, जो लोग हैं अपने आप को पूरी तरीके से ढककर और जो ठंडा पेय पदार्थ पीकर और जो तरबूज वगैरह खाकर, लेमन वाटर है वो खाकर यहाँ पर अपनी प्यास है वो इसके गर्मी को कम करने की जरूरत में है। जी जी राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, भीषण गर्मी से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और आग के गोले की तरह धधक रहा है पूरा प्रदेश। और गर्मी की अगर बात करें तो अब गर्मी सभी रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। चूरू में सबसे ज्यादा जो तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है, 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है चूरू का पारा, और इंसान ही नहीं अब जानवर भी इस आग के प्रकोप से झुलसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भीषण गर्मी से लगातार हाल बेहाल हो रहा है और अगर मौसम विभाग की माने तो अभी तक भी कोई भी राहत की खबर नहीं सामने आ रही है। गर्मी ने अब सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, राजस्थान सबसे गर्म प्रदेश यहां पर बना हुआ है, लगातार चूरू में सबसे ज्यादा गर्मी हो रही है, लोगों का हाल बेहाल हो रहा है, लोग तरह तरह की चीजें कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, और अब जानवरों का भी यहां पर हाल बेहाल होता लगातार नजर आ रहा है।
आपको बता दें कि आग के गोले की तरह पूरा प्रदेश अब धधक रहा है। गर्मी सभी रिकॉर्ड अपने तोड़ती जा रही है। नौ तपा, हालांकि कहा जा रहा था कि नौ तपे के बाद ये पूरी गर्मी जो है कुछ शांत हो जाएगी, लेकिन नौ तपा अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जो धूप है, जो गर्मी है, वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है और सभी रिकॉर्ड गर्मी लगातार तोड़ती जा रही है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता योगेंद्र फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी योगेंद्र, बताएं किस तरह से गर्मी सभी रिकॉर्ड अपने तोड़ रही है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ये नवीना जी, मैं बताना चाहूंगा, आज शुरू में तीसरे दिन लगातार तापमान 50 डिग्री को छू रहा है, जिससे लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक तो लोग घरों में दुबके रहते हैं, चाहे कितना भी जरूरी काम हो बाहर निकलना उचित ही नहीं समझ रहे हैं। प्रशासन भी अपना पूरा सहयोग दे रहा है, दमकल से पूरे दिन शुरू के सड़कों पे पानी बिखेरता रहता है और आगे आने वाले 2 दिनों में भी गर्मी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है कि लू के झपेड़े यूं ही जारी रहेंगे। जी योगेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।